अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर एच इस्लामिक स्टूडियो एंड वी होप दैट यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैनल एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए, 80 से 43 पर आए हैं। और शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं करें, जिसकी वजह से आप नाराज़ हो गए। तो वीडियो बनने के लिए बहुत टाइम और हार्डवर्क लेती है, तो अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्द बनाएं ताकि आप नाराज़ ना हो। तो वीडियो की टॉपिक की तरफ आते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का क्विज़, और ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1.0 to 4 बिलो एवरेज, 5 to 7 एवरेज, 8 to 10 गुड और 11 to 12 एक्सीलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाउ मेनी प्रॉफिट्स वर सेंट बाय अल्लाह बिटवीन हज़रत आदम एंड हज़रत इदरीस, हज़रत इदरीस से हज़रत आदम के दरमियान कितने पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, 0, 1, 2 या 3। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हज़रत इदरीस, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का सही नाम क्या था, अखनौक, अहमद, अब्दुल वहाब या अब्दुल जब्बार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फादर ऑफ हज़रत इदरीस, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे, महलबील, कबूस, यार्ड, लामेक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज हज़रत इदरीस बॉर्न, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, बाबुल, पलस्तीन, सीरिया या मक्का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, वट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड इदरीस, लव्स इदरीस का क्या मायने है, द वन हु माइग्रेटेड जो हिजरत करता है, द वन हु प्रेज जो इबादत करता है, द वन हु फॉर डिसबिलीवर्स जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते उनके खिलाफ लड़ता है, या द वन हु गिव लेक्चर दो नसीहत देता है किसी को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंटेड पेन स्केल टू मेजर मास एंड द आर्ट ऑफ गारमेंट, किसने पेन और स्केल इन्वेंट किए मास मेजर करने के लिए, आर्ट ऑफ गारमेंट्स, आर्ट ऑफ गारमेंट्स उसे कहते हैं जो डिज़ाइन बने होते हैं आपके क्लोथ्स और ज्वेलरी पे, हज़रत इब्राहिम, हज़रत आदम, हज़रत इदरीस या हज़रत शीस। ऑप्शन सी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज़ द सन ऑफ हज़रत इदरीस, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का बेटा कौन था, हज़रत नूह, मटूशल्क, हज़रत लूत या उबैद। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत इदरीस व्हेन हज़रत आदम डाइड, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की क्या एज थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई, 200, 250, 300 or 308। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। वेयर डिड हज़रत इदरीस माइग्रेटेड टू फ्रॉम बाबुल, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहाँ हिजरत की बाबुल से, पैलेस्टाइन, यमन, इजिप्ट या टर्की। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर टॉट बाय अल्लाह टू हज़रत इदरीस, अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कितनी ज़ुबानें सिखाई थी, 42, 52, 62 या 72। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी सहीफ़ा वर रिवील्ड ऑन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सहीफ़ा किसी बुक को कहते हैं या राइटिंग को कहते हैं, तो
कितनी किताबें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर या कितनी राइटिंग्स लिखावत जो खत वगैरह वो कितने हुई थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल, 20, 40 या 30, 50? 30 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच स्काई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट हज़रत इदरीस इन लैलतुल मिराज? लैलतुल मिराज में कौन से आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई थी? ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है।